और बात करते हैं पन्ना की, जहां मतदाताओं को जागरूक करते हुए कहा गया कि मतदाता होने पर गर्व महसूस करें। पंचायत चुनाव में पुलिस ने ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, जहां निर्भीक होकर ग्रामीण मतदान करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 25 जून को पूर्ण हो चुका है, जिसकी गिनती भी शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को होने जा रहा है, जिसे लेकर सलेहा थाना प्रभारी अभिषेक पांडे ने संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। इसके अलावा पुलिस सूत्रों को एक्टिव कर क्षेत्र की गतिविधियों की जानकारी लेने का भी निर्देश दिया है, ताकि समय रहते शांति व्यवस्था को बिगड़ने से रोका जा सके। मतदान के पहले सलेहा थाना प्रभारी अभिषेक पांडे ने पुलिस बल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वहीं गड़बड़ी के इरादे पालने वाले लोगों को अभिषेक पांडे ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है। रिपीट। वहीं गड़बड़ी के इरादे पालने वाले लोगों को थाना प्रभारी अभिषेक पांडे ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर चुनाव में किसी प्रकार की व्यवधान पहुंचाने की कोशिश की तो उनकी खैर नहीं। इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं से कहा कि प्रशासन उनकी रक्षा के लिए खड़ा है, निर्भीक होकर मतदान करें, केंद्र पर जाएं, वोट करें। विराट 24 न्यूज के लिए पन्ना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार पांडे, थाना प्रभारी सलेहा। आप सभी सलेहा क्षेत्रवासियों से ये अपील करता हूँ कि जैसा कि हमारे यहाँ पंचायत चुनाव अभी चल रहे हैं, तो प्रथम चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है और काउंटिंग हो चुकी है उसकी। ऐसे ही द्वितीय चरण में हमारे सलेहा और अन्य क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, तो आप सभी लोगों से यही अपील करता हूँ कि सलेहा क्षेत्र में शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव होंगे, ऐसा हमारी आप सभी लोगों के साथ अपील है कि हमारे साथ शांतिपूर्वक चुनाव कराने में हमारा सहयोग करेंगे। पन्ना पुलिस आपके साथ है, आपको जो भी परेशानी हो, समस्या हो, हमारे नंबर सभी को शेयर कर दिए गए हैं, बीट प्रभारियों के नंबर शेयर कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आना है, निर्भीकता एवं निष्पक्षता से मतदान करना है। धन्यवाद।